First chapter number 4, the So we are at the climax of this chapter. तो हमने ऑलरेडी ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, क्लाइमेट ग्लोबलाइजेशन आया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे. ओके, पॉजिटिव में एजुकेशन मिला हमें, हमें टेक्नोलॉजीज मिली और भी ऐसे बहुत चीजें मिले, और नेगेटिव में कॉलोनीज बन गई, कॉन्क्वेस्ट हुआ, डिजीजेस स्प्रेड हुई. ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट थे ग्लोबलाइजेशन के. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया पूरे इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी कंट्रीज बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. जो कंट्रीज इन्वॉल्व थी ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो तो डिस्ट्रक्शन की कगार पे थी ही थी. ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज थी? बहुत सारी कंट्रीज थी, जैसे जर्मनी थी, यूएसए थी, अमेरिका थी, ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था, जापान था, जर्मनी को हमने बोला, यूएसएसआर था, रशिया था. ये सारी कंट्रीज जो है जितनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी, इनको बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ. डिस्ट्रक्शन मतलब पता है ना, नुकसान हुआ, जान नुकसान हुआ. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑब्वियसली बार वॉर कभी भी कुछ अच्छा नहीं करेगा, वॉर जो है डिस्ट्रक्शन ही लाएगा. और बाहर पॉलिटिकली गवर्नमेंट बर्बाद हो गए, इकोनॉमिकली इकोनॉमी सारी बर्बाद हो गई, इंडस्ट्रीज तबाह हो गए, सोसाइटी लोग मरने लगे, सोल्जर्स से ज्यादा सिविलियंस मरे, बम्बार्डमेंट होती थी रेसिडेंशियल एरिया में. ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ इन सब का. तो ये सारी कंट्रीज पूरी तरीके कोलैप्स कर चुकी थी. अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी एंड हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया, तो इसमें जो डेथ थी वो 1936 का अगर हम कंपैरिजन लें, ईयर 1936 में जितनी पॉपुलेशन थी पूरे वर्ल्ड की, उसका 3% ऑफ पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी. आपको देखते हुए जब वो खत्म हो गया, तो सारी कंट्रीज में बैठ के एनालिसिस करना शुरू किया, एक मीटिंग में बैठे और एनालिसिस करना शुरू किया कि देखो भाइयों बहनों, हमारा बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है. ठीक है, सारी कंट्रीज मिली और उन्होंने डिसाइड करना शुरू किया कि हमारा बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, डिस्ट्रक्शन हो चुका है. आप किसी भी फेस में ले लो, लैंड के फेस में ले लो, इंडस्ट्रीज के फेस में ले लो, एग्रीकल्चर के फेस में ले लो, सोसाइटी के फेस में ले लो, इकोनॉमिक के फेस में ले लो, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है. ठीक है, तो कंट्रीज ने डिसाइड किया अब जो है हम वॉर वॉर नहीं लड़ेंगे. देखो बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है, हम कोई वॉर जो है नहीं लड़ेंगे. कई कंट्रीज साथ मिलके आई, बड़ी बड़ी जो वॉर में इन्वॉल्व थी, जैसे यूएसए, ठीक है, ब्रिटेन, जितनी भी वॉर में इन्वॉल्व थी, जर्मनी, यूएसएसआर, रशिया, इटली, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज साथ मिलके आई, एक दिन बैठी और उन्होंने कहा कि देखो वॉर में बहुत नुकसान हुआ है भाइयों बहनों, अब वॉर नहीं करेंगे. ठीक है, बल्कि एक दूसरे की इकोनॉमी को सुधारेंगे. हम लोग जो है बड़ी बड़ी कंट्रीज है, हमारे सिर पे ये जिम्मा है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, और हम क्या कर रहे थे अभी तक, वॉर लड़ रहे थे. ठीक, सारी कंट्रीज जो है एक दिन ब्रेटन वुड्स नाम के प्लेस पे मिली, ब्रेटन वुड्स नाम के प्लेस पे मिली, जो कि न्यू हैम्पशायर में था, कहां पे, यूएसए में, यूएसए में था. ठीक है, ब्रेटन वुड्स नाम के प्लेस पे ये कंट्रीज मिली, साथ में टेबल पे लोग बैठे, ठीक है, टेबल पे नहीं बैठे, टेबल के आसपास चेयर पे बैठे, ठीक है, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है आगे से मीटिंग नहीं कर, अरे सॉरी, वॉर नहीं करेंगे, और एक दूसरे की इकोनॉमी को सुधारेंगे, एक दूसरे के जो साथ प्रॉब्लम हुई है, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसे पूरी तरीके से तो नहीं सही कर सकते, बट जितना भी पॉसिबल होगा उसे सुधारेंगे. जुलाई 1944 में इन्होंने इस मीटिंग का, अपने इस मीटिंग का एक नाम दिया. ठीक है, इस मीटिंग का एक नाम दिया, उसका नाम था, क्या नाम था, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस.
यूनाइटेड नेशन मतलब सारी कंट्रीज साथ में थी, यूनाइटेड नेशन और किस चीज के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इसलिए इसका नाम था मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब जो भी चीज जो पैसे से जुड़ी है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल, अगेन फाइनेंशियल जो पैसे से जुड़ा है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। तो ब्रेटन वुड्स ने डिसाइड किया कि अब जो है हमें क्या काम करना है, सब डिसाइड हो गया, एजेंडा डिसाइड हो गया, डिसीजन हो गया मीटिंग में कि एक दूसरे की हेल्प करनी है, पैसे पैसे के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में, ताकि वो कंट्री अपनी इकोनॉमी को सुधार सके, अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सके। तो इसके तहत ब्रिटेन वुड्स ने यूनाइटेड नेशंस के तौर पे मतलब कि पूरे वर्ल्ड लेवल के तौर पे दो इंस्टीट्यूशन बनाए, दो बिल्डिंग बनाई, सारी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, बिल्डिंग में काम भी होता था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब कि पैसे पैसे देते थे, लोन देते थे बहुत सस्ते रेट पे, ताकि कंट्रीज अपना डेवलपमेंट कर सके। और दूसरी बिल्डिंग थी हमारी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। दो बिल्डिंग बनाई गई ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, जैसे डिसाइड हुआ था, एक का नाम था IMF और एक का नाम था वर्ल्ड बैंक। ओके, IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का एक और नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। वर्ल्ड बैंक ऐसे छोटा सा निक नेम है, असली नाम इसका IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ब्रिटेन वुड्स चेन बुला दिया करते थे कि क्योंकि ब्रिटेन वुड्स की वजह से ये बनी थी दो बिल्डिंग, ये जो इंस्टीट्यूशन थे ये सारी कंट्रीज का फंड जमा करते थे और फिर जिस कंट्री को जरूरत पड़ती थी उसको बहुत ही सस्ते रेट में लोन दे दिया करते थे। ये लोग डॉलर के फॉर्म में लोन दिया करते थे, IMF और वर्ल्ड बैंक हमेशा हर कंट्रीज को डॉलर के फॉर्म में लोन देते थे। तो एक्सचेंज सिस्टम था, ठीक है, क्या था सिर्फ एक्सचेंज। सिर्फ एक्सचेंज क्या होता है, जब ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशन डिसाइड कर लेता है कि हम पर्टिकुलर रेट पे, पर्टिकुलर अमाउंट पे, पर्टिकुलर करेंसी में किसी को पैसा देंगे, तो वो हमारा होता है फिक्स एक्सचेंज सिस्टम। पब्लिक का डिमांड एंड सप्लाई से डिफरेंट करता है, पब्लिक बहुत डिमांड कर रही है तो जाए, पब्लिक डिमांड नहीं कर रही है तो रेट घट जाए, तो इसे हम फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं। तो इस तरीके से IMF और वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की कंट्री की, किसमें हेल्प, ताकि वो अपने इकोनॉमी को सुधार सके, अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सके, ठीक है, अपनी इंडस्ट्री को सुधार सके, एम्प्लॉयमेंट दे। डीकोलोनाइजेशन मतलब क्या, सारी कंट्रीज अब फ्री हो चुकी थी, अब वो कॉलोनीज नहीं थी। क्यों नहीं थी, ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज ने बहुत अच्छा फ्रीडम स्ट्रगल किया जिसके वजह से वो डीकोलोनाइज हो गई। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो बड़ी किंगडम से USA थे, ब्रिटेन थे, जो इन सारी कंट्रीज को अपना कॉलोनी बना चुके थे, वो अब कमजोर पड़ने लगे थे। उनको चाहिए था कि वो अपनी कंट्रीज पे ध्यान दें, इसीलिए उन्होंने इन कंट्रीज को, जितनी भी छोटी मोटी कंट्रीज थी, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जिनको भी अपना गुलाम बना के रखा था, कॉलोनी बना के रखा था, उनको फ्री कर दिया कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, मैं जा रहा हूँ अपना घर संभाल। तो सारी कंट्रीज जो है वो वापस अपने घर पे लौट गई और अपने एरिया को संभाल दी थी, ठीक है। और ये इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीकोलोनाइजेशन, मतलब कि जो छोटी छोटी कंट्रीज थी वो अब फ्री हो चुकी थी, वो कॉलोनी नहीं थी। किसकी कॉलोनी नहीं थी, USA, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, इटली, फ्रांस, इन सब की अब कॉलोनी नहीं रह गई थी। ये सारी छोटी कंट्री में से 77 कंट्रीज ने अपना ग्रुप बनाया, जिसे कि हम 77 कहते हैं। क्या उन्होंने कहा कि ये जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये हमारे लिए कोई फायदा नहीं कर रहा है, ये लोग तो अपने पे ही ध्यान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज पे ही ध्यान दे रहे हैं, हमारे तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, जो सिर्फ अपने पे ही फोकस कर रहा है, उससे नहीं मतलब है कि हम बेचारी छोटी छोटी कंट्रीज में क्या बीत रहा है। वो सिर्फ बड़ी बड़ी कंट्रीज USA, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, इटली और फ्रांस पे ध्यान दे रहा है। और ऐसा सच में IMF और वर्ल्ड बैंक करता था और आज भी करता है। क्यों करता है, क्योंकि बड़े लोग ही डरता भी है, बड़े लोग ही पैसा देते हैं, डरता क्यों है, पैसा ही इनसे आ रहा है, अगर नहीं पैसा आएगा तो बंद नहीं हो जाएगा। छोटी कंट्रीज कैसे
होवरमैन से हम अपना ग्रुप बनाएंगे। सेवन ने भी अपना एक मीटिंग किया, जैसे कि उन्होंने अपना कॉन्फ्रेंस किया था ना यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, वैसे ही इन्होंने एक मीटिंग किया और उसके बाद एक ऑर्डर इशू किया, मतलब कि एक एग्रीमेंट इशू किया जो इन 77 कंट्रीज आपस में डिसाइड करके फॉलो करती थी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। पर इसके जो एजेंडा थे वो पहले वाले की तरह सेम थे। इन्होंने भी कहा कि हम आपस में जो है एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को पैसा देंगे, एक दूसरे का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे और अपना जो है एक प्लेस बनाएंगे जहाँ पे वर्ल्ड मार्केट में ग्लोबलाइजेशन का न्यू सिस्टम आया। न्यू सिस्टम क्या मतलब कि ग्लोबलाइजेशन अपने हाईएस्ट पीक पे था। इसी टाइम हम देखेंगे कि MNC स्टार्ट हुए, मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्ट हुए। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होते हैं, उनका एक कंट्री में ऑफिस होता है और बाकी छोटी छोटी कंट्रीज में वो प्लांट सेटअप कर देते हैं बहुत सारी कंट्रीज में, ठीक है, और अपना ऑपरेशन कैरी करते हैं इन कंट्रीज के थ्रू, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी और कंट्री डी के थ्रू। इसे ही हम MNC कहते हैं, मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी जो कई सारी कंट्रीज में अपना ऑपरेशन कर रही है। तो MNC का एस्टैब्लिशमेंट क्या था, क्या दिखा रहा था, ग्लोबलाइजेशन अपने पीक पे है ये हमें दिखा रहा था। सैमसंग कहाँ की कंपनी है, कोरिया की कंपनी है, और इसके प्रोडक्ट के प्लांट कहाँ है, हमारे इंडिया में है, चाइना में है, ब्राजील में है, प्लांट और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसे बेचते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, MNC तो हुआ इतनी बड़ी कंट्रीज को पास लेके आए, कोरिया और इंडिया को पास लेकर आए, ग्लोबलाइजेशन ही तो है। कोरिया की कंपनी इंडिया में आगे एम्प्लॉयमेंट दे रही है, इंडिया के लोगों को काम दे रही है, ग्लोबलाइजेशन में हेल्प किया, एम्प्लॉयमेंट में हेल्प किया, राइट, और जो पैसा पॉकेट हो रहा है वो कोरिया को हो रहा है, अगेन ग्लोबलाइजेशन पैसा कमा के वहां से ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से MNC हेल्प करती है कंट्रीज को पास लाने में और ग्लोबलाइजेशन को अपने पीक पे पहुंचाने में। सो वी एंड आवर क्लास हियर एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क। फॉर MNC जो है अपना ये जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और फैक्ट्रीज होती हैं वो किन कंट्रीज में एस्टैब्लिश करते हैं, इंडिया में एस्टैब्लिश करते हैं, चाइना में, ब्राजील एस्टैब्लिश करते हैं और ब्राजील में एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, इन कंट्रीज में एस्टैब्लिश करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली एशियन कंट्रीज में एस्टैब्लिश करते हैं जैसे कि इंडिया और चाइना। क्यों एशियन कंट्रीज में अपना ऑफिस अपनी फैक्ट्री डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और वर्कर्स बहुत ही चीपली अवेलेबल होते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।